सबसे सस्ती फिश की स्टार्टिंग कितने रुपए से हो जाएगी? कम से कम 20 रुपए की एक है इस टाइम तो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों एक्टिव फिश अवेलेबल होने वाली है, जो कि स्टॉक बिल्कुल नया स्टॉक, कल ही स्टॉक आया है। फिश के साथ ये कौन सी? अच्छा शार्क है ना ये, इसमें रेटेल शार्क है और सिल्वर शार्क है। सिल्वर शार्क एंड अपने पास एंजल अवेलेबल हो जाएगी। फिश फुल रहेगी और स्टॉक फुल रहेगा। ट्राई सिटी से आप ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं, ऑफलाइन बाय करना चाहते हैं? साइज होगा 2.5 से 3 इंच। अच्छा कलर इसमें अलग अलग है, येलो कलर आ गया, व्हाइट कलर आ गया, ब्लू भी है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मोहाली पेट ब्लॉग्स में। और आज फिर से आ चुके सेक्टर 45A फिश पॉइंट 786 यानी कि वसीम भाई की शॉप पे, और बहुत सारा स्टॉक आज फिर से लेकर आ चुके। सबसे पहले बजीज की बात करूँ तो दोस्तों बजीज अवेलेबल हो गए, और सबसे बड़ी खूबसूरती है कि एक्टिव बजीज अवेलेबल है, यानी कि आपको मेल फीमेल चाहिए, पेयर चाहिए, सिंगल चाहिए तो वो भी अवेलेबल अपने पास हो जाएगा। आप दोस्तों अगर व्हाइट आपने यहाँ पर देखिए, मैं बात करूँ पहाड़ी चूहे जो बोलते हैं, अगर वो भी आपने लेना है तो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद अंदर चले गए तो आज है ना दोस्तों बहुत सारा अपने पास स्टॉक अवेलेबल है। तो वसीम भाई कैसे हाल चाल आपके? बढ़िया बढ़िया। तो स्टार्टिंग से कवर करते चले गए क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा है और वीडियो को शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी खूबसूरती कि सबसे ज़्यादा एक्टिव फीस अवेलेबल हो जाएगी। हाँ जी, इसका क्या नाम हो जाएगा? इसमें कोई काप्स हैं, गुरामीज हैं। अच्छा, कोई काप में बड़े साइज भी है। अच्छा कोई काप्स के दोस्तों आप देख सकते हैं मीडियम साइज और स्मॉल एंड लार्ज दोनों साइज अवेलेबल हो जाएगा अपने पास। और सबसे बड़ी चीज़ है स्टॉक अपने पास फुल है। अगर वसीम भाई जैसे कोई ऑनलाइन मंगाना चाहे तो उसका क्या प्रोसेस है अपना? उसका 1000 का ऑर्डर होना चाहिए मिनिमम, हो जाएगा। ट्राई सिटी से भी कोई मंगा सकते हैं? हाँ, और आउटर से भी? हाँ जी, हाँ जी। तो ट्राई सिटी में जैसे कि एग्जांपल लीजिए, कोई पंचकुला से करते हैं तो उनका जो खर्च वगैरह होता है वो कैसे रहेगा? वो उन्हें एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी ऑनलाइन। और जो भी मतलब यहाँ से लेकर वहाँ तक जो जाने का खर्चा आएगा वो 100 रुपीज आ जाएगा, मतलब जो कैब वगैरह का खर्चा आएगा सिर्फ वही चार्जेस से। ठीक है, तो दोस्तों आप ऑनलाइन अगर चाहे तो ऑनलाइन भी आप बाय कर सकते हैं। कॉलिंग नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप डायरेक्टली वसीम भाई को कॉल करके भी यहाँ पर पता कर सकते हैं। यहाँ पर सेकंड फिश की मैं बात करूँ तो ये कौन कौन सी फिश हो जाएगी वसीम भाई? इसमें मिल्की काप्स हैं और विडो टेट्रा है। अच्छा विडो टेट्रा एंड मिल्की। अच्छा कोई काप्स का भी छोटा पीस है और विडो टेट्रा का यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों एक्टिव फिश अवेलेबल होने वाली है, जो कि स्टॉक बिल्कुल नया स्टॉक, कल ही स्टॉक आया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ जाएगी दोस्तों एंजल फिश, और एंजल फिश के साथ ये कौन सी? अच्छा शार्क है ना ये, इसमें रेटेल शार्क है और सिल्वर शार्क है। अच्छा सिल्वर शार्क एंड अपने पास एंजल अवेलेबल हो जाएगी। तीन वैरायटी है, तीन वैरायटीज अवेलेबल हो जाएगी। और आप देख सकते हैं दोस्तों एंजल फिश भी कितनी एक्टिव फिश नजर आ रही है अपने को। शार्क देखिए बहुत ज़्यादा एक्टिव फिश यहाँ पर नजर आ रही है, मतलब सभी फिश इस टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे चले गए तो शार्क की वैरायटीज देखिए, यहाँ पर कितना ज़्यादा शार्क की क्वांटिटी होने वाली है। हाँ जी, ये टाइगर शार्क्स हैं, ये भी मतलब सबके साथ रहती है। अच्छा मतलब स्लो में, स्लो में भी, फास्ट में भी। अच्छा स्लो और फास्ट दोनों के साथ चल जाती है। और सबसे बड़ी खूबसूरती आप देख सकते हैं दोस्तों, मतलब स्मॉल साइज भी है, मीडियम भी और लार्ज साइज भी अपने पास अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास सभी साइज अवेलेबल हो जाएगी इसके भी। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी शार्क है और यहाँ भी शार्क है और ग्रास गोल्ड व्हाइट गोल्ड है। अच्छा ग्रास गोल्ड व्हाइट गोल्ड, हाँ जी। तो ये भी अवेलेबल हो जाएगी, चल जाएगी। अच्छा स्लो में चल जाएगी दोस्तों ये भी अपने पास फिश अवेलेबल है, क्वांटिटी पूरी अपने पास मिलने वाली है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अफ्रीकन सिकलेट्स हैं। अच्छा अफ्रीकन सिकलेट्स हैं, इनका साइज होगा 2.5 से 3 इंच। अच्छा कलर इसमें अलग अलग है, येलो कलर आ गया, व्हाइट कलर आ गया, ब्लू भी है। अच्छा ब्लू कलर भी आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी ज़्यादा खूबसूरती है और एक्टिव फिश है, ये देखिए बहुत ज़्यादा एक्टिव फिश है और सिलो में जाएगी। हाँ जी, ये ऐसे आप ऊपर आओगे तो ये सारी आ जाएंगी। अच्छा हाँ, ये देखे दोस्तों मतलब इस तरीके से करेंगे तो ऊपर देखे एक साथ आ गई ऊपर की। तो ये क्या मतलब खूबी है वसीम भाई इनकी? ये ग्रुप में घूमती है ना। अच्छा ग्रुप में, ये देखे दोस्तों यहाँ पर हाथ किया तो ये सब यहाँ पर आ गई, तो ये खूबी है। और ये मतलब मेरे साथ फिर एक साथ ही रहती होगी शायद। हाँ जी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए नई फिश है, ये कौन सी फिश है? ये किसिंग ग्रामी है और ये चिचलेट्स है। अच्छा चिचलेट्स और किसिंग ग्रामी अपने पास अवेलेबल हो जाएगी। किसिंग ग्रामी की भी दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा स्टॉक अपने पास अवेलेबल है, स्टॉक फुल रहेगा। तो यहाँ पर स्टॉक अपने पास फुल है। उसके बाद भी गर्मियाँ होगी, अब स्टॉक फुल ही रहेगा। अच्छा अब एक्चुअली क्या था दोस्तों, ठंड थी तो ठंड की वजह से थोड़ा स्टॉक कम आ रहा था, लेकिन अभी गर्मी शुरू हो चुकी है तो स्टॉक फुल होने वाला है। वैरायटीज फुल रहेगी और स्टॉक फुल रहेगा। ट्राई सिटी से आप ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं, ऑफलाइन बाय करना चाहते, ऑफलाइन अगर बाय करना चाहते हैं तो वसीम भाई एक बार प्रॉपर एड्रेस बताना यहाँ का अपना। ये सेक्टर 45A में है, जहाँ बुड़ैल की टायर मार्केट जो टायर मार्केट है अपनी, और चौधरी टायर से जो गली आती है उसमें जाके आती है, सब्जी मंडी गली आती है, उसी गली में शॉप है। सब्जी मंडी गली से आगे फिश पॉइंट 786 नाम से शॉप है। तो आप ऑफलाइन भी बाई कर सकते हो, ऑनलाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन भी ऑर्डर आप मिनिमम 1000 से बाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये अपने पास फिश आ गई, ये कौन सी फिश है सर? इसमें जी रेड गोल्ड है और जो ब्लैक वाली है वो ब्लैक मोर है और इसमें रेड कैप भी है। अच्छा रेड कैप, रेड गोल्ड और ब्लैक मोर, ब्लैक मोर भी अपने पास अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत सारी फिश अवेलेबल है ये। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो ऑस्कर फिश आ जाती है अपने पास। तो यहाँ पर देखिएगा ऑस्कर जो है ये
4-5 इंच का साइज होगा। अच्छा 4-5 इंच का ऑस्कर का साइज है अपने पास, जो कि दोनों कलर अपने पास अवेलेबल है। इसका नाम अलग होता है आई थिंक। हाँ, ये इसमें अल्बाइनो ऑस्कर है, टाइगर ऑस्कर है, और ये जो चॉकलेट कलर है ये कॉपर ऑस्कर है। कॉपर ऑस्कर है, यानी कि तीनों अपने वैरायटीज अपने पास अवेलेबल हो जाएगी तीनों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप दिखाएंगे फाइटर फिश जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फाइटर फिश आ गई। तो ये देखिए, ये जो है एक्चुअली सिंगल ही रहती है, फाइटर फिश में आती है ये। हाँ जी, और ये विदाउट ऑक्सीजन रहती है। विदाउट ऑक्सीजन रहती है और फाइटर फिश है ये, मतलब किसी के साथ रहती नहीं। नहीं नहीं, तो ये बिल्कुल फाइटर फिश और अकेले ही रहेगी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए अपनी फिश आ चुकी है। ये पुराना है शायद? ये पुराना नहीं है, ये सिल्वर डॉलर है। अच्छा, पुराने की जैसी लुकिंग है ना, पुराना जैसी लुकिंग है। पुराना भी अभी आएगी आगे। अच्छा आएगी। हाँ। तो ये दो वैरायटीज इसमें है कि? इसमें टिनफिन बार्ब है और ये सिल्वर डॉलर है और एक ग्रीन टर्टल है। अच्छा, मतलब तीनों वैरायटीज इसमें अलग अलग अवेलेबल है और शिलो में है ये भी। हाँ जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये भी फिश अपने पास अवेलेबल है। ग्रीन टर्टल है वो फास्ट में है। अच्छा, ये फास्ट में आएगी जो यहाँ पर, ये वाली फास्ट है। ओके, ये फास्ट में आएगी दोस्तों, बाकी सारी शिलो में आ जाएगी। चलिए दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आ जाएगी बहुत बड़ी सी फिश जो कि अपने पास हो जाएगी, ऑस्कर एंड शार्क अवेलेबल है। तो ये साइज कितना होगा वसीम भाई? शार्क का साइज तो होगा तकरीबन 1.25 फुट। 1.25 फुट के समथिंग, मतलब 14-15 इंच तक होगा। अच्छा अच्छा, और ऑस्कर का? ये ऑस्कर का साइज होगा 8-9 इंच। 8-9 इंच ऑस्कर, और ये अपने पास फुल साइज ही लगा लो, फुल साइज ऑस्कर है। तो दोस्तों बहुत से लोगों की डिमांड होती है इसमें, जो आपस में किस कर रही है। अच्छा अच्छा, ये पैरेट फिश है। अच्छा, ये पैरेट फिश है दोस्तों। एक्चुअली क्या होता है, बहुत से लोगों की डिमांड होती है कि दोस्तों कहे सर हमें बड़ी मछली चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल साइज भी अपने पास ऑस्कर का एंड शार्क का अवेलेबल है। तो अगर आपकी डिमांड है कि आपको फुल साइज की फिश चाहिए, तो वो डिमांड भी आपके यहाँ पर पूरी हो जाएगी, फुल साइज की फिश भी अपने पास अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए, ये फिश आ गई है, देखिए कितनी एक्टिव फिश है दोस्तों, आप ये देख लीजिए, एक्टिव देखिए यहाँ पर। हाँ जी, ये अच्छा रोजी बार भी। हाँ जी, ओके, ये रोजी बार स्लो फास्ट दोनों में चलती है। अच्छा, स्लो फास्ट दोनों में चल जाएगी, बहुत ज्यादा एक्टिव फिश है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम, ये ग्रोमी आ गई, ग्रोमी आ गई, ये भी स्लो फास्ट दोनों में चलेगी। स्लो फास्ट दोनों में चल जाती है, तो ग्रोमी का भी देखिए स्टॉक पूरा अवेलेबल हो जाएगा दोस्तों अपने पास। यानी कि इस बार स्टॉक में आग लगा दी दोस्तों, मतलब इस बार स्टॉक बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा फुल स्टॉक है, सबसे ज्यादा एक्टिव फिश है, और अब गर्मी में फुल ही रहेगा। तो अच्छा वसीम भाई, जैसे और भी पेट अगर लेने हो किसी को, तो वो क्या होता है अपने पास सर्विस? फिशेज और बर्ड्स तो आपने देख ही लिया, इसके अलावा रैबिट, गिनी पिग्स, डॉग्स, कैट्स, ये सब भी मिल जाते हैं। मिल जाते हैं, ये ऑर्डर पे आएगा, लेकिन ऑर्डर रैबिट्स और गिनी पिग तो मिल जाते हैं वैसे भी, लेकिन जो डॉग और कैट है वो ऑर्डर पे, ऑर्डर पे आते हैं। तो दोस्तों अगर आप फिश से अलग और भी कोई पेट्स रखना चाहते हैं, डॉग्स आपको चाहिए, कैट आपको चाहिए, तो आप डायरेक्टली कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं और वो भी बाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सा अपने पास आ चुका है फिश। तो ये फिश देखिए कौन सी आ चुकी है अपने पास, ये नाइफ है, पिराना है। अच्छा, ये पिराना आप कह रहे थे, और ये ऑस्कर है और नाइफ है। अच्छा, प्राना, ऑस्कर एंड नाइफ। अच्छा, प्राना रह जाती है इनके साथ ही? हाँ जी, हाँ जी, ये सारी फास्ट फिशेज है। अच्छा, हाँ जी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सभी जो है बहुत खतरनाक फिश है, ऑस्कर ये सॉरी प्राना जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक फिश होती है, तो ये फास्ट के साथ रह रही है। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे आ जाते हैं अगली फिश की तरफ, ये रेड कैप है, स्लो में चलेगी। अच्छा, रेड कैप अपने पास आ जाएगी, स्लो प्रोसेस में रहेगी, और रेड कैप का साइज भी देखिए छोटे और बड़े दोनों साइज अपने पास अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, तो अगली फिश मौली है, मोली और बीडो टेट्रा। हाँ जी, हाँ जी, तो मोली और बीडो टेट्रा है, साइज बड़ा छोटा है, यानी कि 2 फीट 2.5 फीट के एक्वेरियम में भी हम रख सकते हैं इनको। हाँ जी, हाँ जी, इसको 1 फीट में भी रख सकते हैं। अच्छा, 1 फीट एक्वेरियम में भी आ जाएगा। हाँ, चलिए, और ये और छोटी आ गई, मतलब ये तो गप्पीज है, गप्पीज ही है। हाँ, बाउल के लिए रहेगी ये, बाउल के लिए, और ये प्लांटेड टैंक की मछली है। ओके, जैसे लाइव प्लांट्स वाला एक्वेरियम है तो ये उसमें रहेगी। अच्छा, लाइव प्लांट्स वाला एक्वेरियम में रह जाएगी, बाउल प्लांट्स को खाती नहीं है। ओके, तो ये दोस्तों आप देखते हैं कितनी छोटी छोटी फिश है, अगर आपको शौक है छोटी फिश का तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं अगली फिश की तरफ, वैरायटी है इसमें, टेक्सास है और टाइगर बार्ब है। अच्छा, टाइगर बार्ब भी अपने पास, ये हैं जो ऊपर है ना। हाँ, ऊपर वाली जो है ये टेक्सास है, टाइगर बार्ब दोनों यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। चलिए दोस्तों उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए शिवन किंग गोल्ड भी अपने पास अवेलेबल है इस बार, और फुल स्टॉक यहाँ पर मिलने वाला है इस बार। तो शिवन किंग गोल्ड आप देख सकते हैं दोस्तों, एक्टिव फिश है, साइज छोटा बड़ा दोनों अपने पास अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कोई काफ्स हैं और शार्क है, रेटल। अच्छा, रेम्बो शार्क वगैरह भी अपने पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे एक्टिव फिश है, नीचे आ जाएगी, तो ये दोस्तों ये फिश अपने पास अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ये सकर केट अपने पास आ जाएगी, सकर केट जो चाहिए देखिए, छोटा साइज भी अपने पास अवेलेबल है, यानी कि जो साफ सफाई करती है एक्वेरियम की वो अपने पास अवेलेबल हो जाएगी। बड़ा साइज अगर आपको चाहिए तो दोस्तों सकर केट का बड़ा साइज भी अपने पास मिल जाएगा, अगर आपको बड़े का रखने का शौक है, और इससे बड़ा भी साइज चाहिए तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सकर केट यहाँ पर भी अपने पास बहुत सारे अवेलेबल है, यानी कि एक्वेरियम की सफाई करने के लिए काम आता है। तो ये था दोस्तों आज का स्टॉक, जो कि फुल स्टॉक है, वैरायटीज पूरी होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा स्टॉक होने वाला है, मतलब ये समझो कि आपकी
जो भी डिमांड है किसी भी फिश की, वो सारी फिश अवेलेबल होने वाली, प्राइस शानदार रहेगा। अच्छा वसीम भाई, अपने पास सबसे सस्ती फिश की स्टार्टिंग कितने रुपए से हो जाएगी? कम से कम 20 रुपए की एक है इस टाइम तो, जैसे मॉली है। अच्छा 20 रुपए की सिंगल से स्टार्ट हो जाएगी। और पेयर अपना? पेयर 40 का पेयर है, और अगर बल्क में लेनी है तो 15 रुपीज भी पड़ जाता है। अच्छा, मतलब अगर आपने जैसे 12 या 15 खरीदनी पर पीस 15 रुपए के हिसाब से ही पड़ जाता है। अगर हम इकट्ठी ले रहे हैं, इकट्ठी ले रहे हैं तो 15 रुपए के हिसाब से ही पड़ सकता है। वैसे स्टार्टिंग प्राइस 20 रुपए पीस है, 40 रुपीज पेयर है। स्टॉक पूरा अवेलेबल है, और फिश से रिलेटेड फूड्स वगैरह और भी क्या क्या एसेसरीज यहाँ पर अवेलेबल है वो अगली वीडियो में लेकर आ रहे हैं। तो मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में दिया गया, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप डायरेक्टली आके बाय कर सकते हैं, ऑनलाइन बाय कर सकते हैं कॉल करके। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके कमेंट्स करो, शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।